गाइस हमने देखा हर दिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए से नए अपग्रेड आते रहते हैं, चाहे हम बात करें कार्स की चाहे हम बात करें बाइक्स की। तो लास्ट ईयर जैसे 2019 में हमारे पास बाइक्स में BS4 वर्जन आता था, जो इस साल बदल के BS6 हो चुका है। तो आज उसी को देखते हुए मैं अपने चैनल पे आप सभी को दिखाऊंगा नए फीचर BS6 में। बाइक आज होने वाली है BS FZS, जो अपग्रेड हुई है BS6 में। तो मैं आया हूँ GMD तिलक नगर। तो मेरे साथ है भैया, आपका नाम आबिद। तो भैया आप मुझे बताएं, आज हम बात करने वाले हैं इस बाइक की। तो 2019 में जो हमने फीचर देखे BS4 में, ये बाइक उससे कैसे अलग है? हेलो गाइस, मैं GMD तिलक नगर ओल्ड मावी नगर से बोल रहा हूँ, यामा के शोरूम से, जो कि माल रोड के पास पड़ता है, ये आपके नियर अबाउट। वैसे भी चेंजेस आए हैं ना इस बाइक चेंज में, इसमें काफ़ी चेंज आए। तो एक गाड़ी स्टाइलिश कर दी थोड़ी सी, आपको हेडलाइट चेंज कर दी है, डिजिटल मीटर करा आपका पूरा, ये LED कर दिया आपका पूरा स्क्रीन, हटके बनाया ये लॉक जो बनाया ये हटके बनाया, बिल्कुल जो पहले हैंडल पे था ये नोटा बिल्कुल मैं तो अटेंड कर दिया। ओवरऑल बात करें तो काफ़ी चेंजेस हुए हैं बाइक के अंदर, और उन्हीं सब चेंजेस को आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, एक टेस्ट ड्राइव भी दिखाएंगे जो स्टार्टिंग में होने वाली, अगर आपने देख ली होगी अभी तक। और चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो गाइज ये है हमारे पास बाइक, और भैया हमें बताएंगे एक एक करके, भैया एक एक करके चेंजेस बता दीजिए जल्दी से। एक हेलो, तो एक आप ये देखोगे LED, आपकी LED में चेंज करी है इन्होंने, थोड़ा सा डिज़ाइन थोड़ा सा करा है, बड़ी खूबसूरत चीज़ें बना है, आगे क्रोम करा है इसको, आप देखोगे टैंक के ऊपर ये क्रोम किया है, थोड़ा सा इसको कलर चेंज किया है, कलर देखोगे आप बहुत अलग कलर है, लग्जरी कलर में आता है। आप मीटर पे आइए, मीटर पूरा उन्होंने डिजिटल कर दिया, पूरे इसको LED बना दिए, जो कि एक बड़ा खूबसूरत मीटर लगता है आपका। आप इसका लॉक चेक करोगे तो लॉक इसका उन्होंने आप टैंक पे शो करा है, जो कि अलग ही डिजाइन में आता है। आप देखो तो पहले बाइक की, पहले जो बाइक पे था वो हैंडल के पास, हाँ जी, तो उन्होंने अब टंकी के ऊपर कर दिया। इसका फ्यूल टैंक अब 13 लीटर का फ्यूल टैंक है आपका, पहले जो कितना का होता था? पहले 12 लीटर होता करता था, 12 लीटर का पहले फ्यूल टैंक होता था। अब 13 लीटर का चेंजेस हुए हैं। अब इसमें आप देखोगे तो नीचे आप देखोगे इंजन के पास, जो आप इन्होंने ये देखो बड़े खूबसूरती नट लगाए गए हैं, इधर जो आप उन्होंने चेंज किया गया, कुछ पहले अंदर हुआ करता था इन्होंने बाहर निकाल दिया। अब इसमें डबल डिस्क कर दिया आपका, ABS कर दिया, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम बना दिए इसमें आपको, एंटी ब्रेक सिस्टम साथ में जी ABS कर दिया है, BS6 इंजन कर दिया, जिससे कि इसकी हॉर्स पावर देखोगे और BHP जो इन्होंने कम करी है, RPM इन्होंने कम किया, जिससे कि एवरेज बड़े लोग सोचते हैं कि हम स्पोर्ट्स लुक में थोड़ी सी बाइक में जाते हैं FZ पे, तो एवरेज कम देती है आपको मार्गो गाड़ी, ये इसमें एवरेज आपको 50 प्लस आपकी एवरेज देगी गाड़ी, 50 प्लस आपकी एवरेज देगी, जो कि पहले एवरेज हुआ करती थी 40-35 एवरेज हुआ करती थी, अब जो 50 प्लस एवरेज आपकी कंपनी कस्टमर की ऑन डिमांड आ रही है, कि कस्टमर बता रहा है कि फीडबैक इसका 50 की एवरेज मेरे को मिल रही है, मेरे एक दोस्त ने ली थी इसको 50 की एवरेज दे रही है गाड़ी, और कोई गाड़ी में कंप्लेंट भी नहीं है। हाँ जी, इस बार बाइक में आया है, हाँ ये BS6 इंजन जो आया इसका काफ़ी अच्छा है, जो कि फीडबैक भी अच्छा आ रहा है, गाड़ी मार्केट में बिक रही है, और इजली कोई ज़्यादा महंगा रेट भी नहीं है इसका, आप देखोगे तो 1,16,000 की आपकी गाड़ी है ऑन रोड, जिसमें कि रोड टैक्स, स्मार्ट कार्ड, इंश्योरेंस, नंबर प्लेट, हेलमेट आपको स्टील बेल्ट का मिलेगा। तो गाइज ये कुल फीचर हमने जो चेंजेस आए थे वो बताए, एक एक करके दोबारा बता देता हूँ आपको, कि अगर मैं इंजन की बात करूँ, इंजन 149 cc जो सेम रहेगा जो पुराने वर्जन में था, और नए वर्जन में भी सेम है। लुक की बात करूँ, लुक चेंज हुई है, लग्जरी लुक इस बार दी गई है, हमेशा की तरह एक अपग्रेड जैसे FZ को मिलता है, लुक हमेशा एनहेंस होकर मिलती है। बाकी हेडलाइट की बात करूं, हेडलाइट इस बार LED कर दी गई है, जिसमें हमें जो मीटर मिलने वाला है प्रॉपर LED मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं लॉकिंग सिस्टम की, जो हमें मिलेगा फ्यूल टैंक के ऊपर माउंटेड होगा, फ्यूल टैंक की कैपेसिटी इस बार चेंज करके 13 लीटर कर दी गई है। बाकी अगर मैं टायर्स की बात करूं, दोनों तरफ हमें ABS सिस्टम मिलेगा, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, और ओवरऑल लुक तो बहुत अच्छी है। एक और चीज़ जो इस बार हमें बढ़िया मिलेगी, लेकिन उसके डिसएडवांटेज है, वो है एवरेज। क्या पिछली बार हमें बाइक में जो एवरेज मिलती थी वो 35 की मिलती थी मैक्सिमम एवरेज, मैं खुद FZ चलाता हूँ और मेरी बाइक की एवरेज आती है 30 से 32, इस बाइक में आपको एवरेज मिलने वाली है 50 की,
BS6 वर्जन में। और अगर मैं BHP की बात करूं, इसकी नॉर्मल BHP पहले हमें जो मिलती थी 13.2 के अराउंड मिलती थी भैया, इस बार एक BHP कम हो गया, हमें 12.2 मिलेगी। और अगर RPM की बात करूं 10,000 से ये नीचे हो गए 7500 RPM की। इंजन में हमें सेम एयर कूल्ड इंजन मिलने वाला है, बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम है। प्राइजिंग की बात करूँ, प्राइजिंग 1,19,000 रुपये इसका प्राइस है। पिछले का प्राइस भैया कितना था? 116। तो 3,000 रुपये इस बार हमें BS6 में प्राइस देखने को मिल रहा है बढ़ता हुआ। और वीडियो को ज़रूर देखना, लोकेशन में आपको बता देता हूँ। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नहीं पसंद आती डिसलाइक करके कमेंट करके बताएं क्या क्या चीज़ें कि आपको कमी दिखी जो नेक्स्ट वीडियो में हम इम्प्रूव करें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई BS6 बाइक के साथ।